गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हो आप सब? भगवान के पास अच्छे ही होंगे। सो गाइस, मेरे यहाँ का मौसम तो एकदम लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया मौसम है। आप? हाँ, आज नहाई भी थी मैं बारिश में, बाबू भी नहाया था और बहुत ही बढ़िया मौसम है। आपके शहर में कैसा मौसम है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? और गाइस, आप समझ सकते हो कि मैं किसकी किस बारे में वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैं बहुत कम इस महीने मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और थोड़ा समझ सकते हो कि 9 मंथ चल रहा था, इसलिए नहीं बना पा रही थी मैं वीडियो। 9 मंथ चल रहा था, 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं यार, अब तो मेरा भी पारा हाई हो गया, कब आएगा अभी तक ये मुझसे पता। तो गाइस, मेरा आज 19 तारीख है, तो 9 मंथ तो कंप्लीट हो ही गए वैसे तो। और अभी तक ये कह रहे थे, अरे 20 तारीख तक तो देखो, और 20 तारीख तक तो देखो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा 9 महीने तो कंप्लीट होने दो। सो आज 9 महीने भी कंप्लीट हो गए, पर अभी तक नहीं हुआ अब तो ये भी इनका भी वो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, कंटाल आ रहा मेरे को। काय लोगों ने ये बोला था 9वां महीना जैसे स्टार्ट होगा कभी भी हो सकता है, वो कभी भी करते करते महीना निकल गया आपकी तरह आलसी है। मैं तो आलसी जैसे पापा आलसी, वैसे प्रिंसेस भी आलसी होगी। यार बाबू क्यों इतना आलसी हो? पता, विशाल भैया भी कह रहे थे तुम दोनों पे हो गया होगा, तुम लोग भी आलसी हो। हमारा बच्चा हम भी जाएगा और पड़ोसी में थोड़ी जाएगा तो इतना आलसी की आई नहीं रहा। लड़की बच्चों की भाभी, एकता दीदी, सभी कह रहे हैं कि अब बताओ स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों के अभी तक नहीं आए, बाबू सर रह पाएंगे कितने दिन रह पाएंगे हम लोग। और ये सही बात भी, बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, स्कूल खुलने वाले उनके। तो बाबू आ जाओ, भैया बहन के स्कूल खुल रहे हैं। बोल लगी वो मेरे कमर में, कोई बात नहीं, अब यार हो जाएगा, मैं फेंक दूंगी बॉल, और बता रही हूँ। हाँ, बॉल लगने से हो जाए, ऐसे नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ने 27 तारीख बताई थी, पर अब कल से 10वां महीना भी स्टार्ट हो जाएगा इतना लेट तो शायद मैंने भी नहीं किया होगा जितना ये नहीं कर रहा है, ए? कर रहा है, कर रही है, तो मुंह से यही निकलता है, समझ सकते हो आप लोग। सो गाइस, इतना आपको इंतजार है उतना ही मेरे को इंतजार है। 9 महीने कंप्लीट हो गए यार। पहले सब सारा स्टार्टिंग में तब कहते थे, अरे 9 महीने तो करना है, 9 महीने तो करना है, 9 महीने बाद। सब लोग कहते थे नहीं, पहले हो जाता है, 8.5 महीने में हो जाता है, 9 महीने शुरू होते ही हो जाता है। ये करते करते पूरे महीना निकल गया, 9 महीना भी खत्म हो गया, अभी तक नहीं हुआ जाना। सच्ची में यार बड़ा आलसी बच्चा है। मैं कजिन से कह रही कि बाबू मुझे नहीं पता ना दर्द कैसा होगा, और अगर दर्द अचानक हुआ रात में, आपको ही पता हमारी गाड़ी कैसी है, दर्द अचानक हुआ रात में कस के हुआ और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, फिर क्या होगा मैं घर पे ही करेंगे फिर और अब सब लोग ये कह रहे हैं कि अब तो कंफर्म हो गया है कि लड़की ही होगी, क्योंकि लड़की अपने हिसाब से कह कि लड़कियां आलसी होती है इसलिए लेट करती हैं, पर और सब लोग कह कि लड़कियां अपनी पूरी ब्यूटी लेके आती हैं इसलिए लेट करती हैं, तो लड़की ही होगी फाइनल है। 10 महीने में हुई थी देखो स्वाति की ब्यूटी और लेकिन मैं 8 महीने 2 दिन में हो गया था, मेरी ब्यूटी देख लो। अरे तुम आगे तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां मेरी बेबी है, जो प्रिंसेस जो आपकी प्रिंसेस है वो आप पे जाएगी ना। सो अब बस प्रिंस या प्रिंसेस का इंतजार है, और सब इंतजार कर रहे बेसब्री से कब तो कमेंट्स भी आने लगे यार, हद होगी, मैं डिलीवरी सुन सुन के बाबू कब आओगी, जल्दी आ जाओ, ये तो वो एकदम चैन सी बन गई है, आ जा बस, ये वो नहीं, हद हो चुकी है आज इतनी महफिल भी, घर में सब्जी भी है बहुत, बाबू सब लोग इंतजार कर रहे हैं आ जाओ यार, वरना सब ये कह रहे हैं फिर कोई वेलकम करने के लिए नहीं होगा, सब चले जाएंगे, सबको अपने अपने काम होते हैं, आपको भी इंतजार होगा, मुझे भी बड़े इंतजार है तो चलते देखते अब कब आता है।
27 तारीख डॉक्टर ने बताया अब 7 दिन और हैं, तो 7 दिन में देखते हैं कब आता है। डेली सोती हूँ रात में कि हाँ क्या पता कल रात को दर्द हो जाए, कल रात को हो जाए, आज रात सुबह हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं डेली 2-3 घंटे चक्कर लगा देती हूँ, टहलती हूँ 2-3 घंटे, नो रिजल्ट। डेली निराश होके लेटती हूँ, निराश होके सुबह एक्साइटमेंट होती है उठने की, पर निराश होके सो जाती हूँ। और जब मैं निराश होकर सोती हूँ तो किक मारता है कि अब नहीं आ रहा है। घमंडी है ना बहुत, कहेगा बड़ा एटीट्यूड है मेरे अंदर, बुला तो रहेगा आया नहीं। यार बाबू आपके बेबी के अंदर एटीट्यूड तो बहुत है, मेरे बेबी के अंदर सब बाप का बेटा है तो होगा ही। मेरे अंदर इतना एटीट्यूड है, कहाँ है वेरीफाइड इंस्टाग्राम पे 699 रुपए। ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, पब्लिक को क्यों बताना है? क्यों नहीं बताना है कि जो चीज ना मिले खरीद लो। चलो घर बैठो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने नहीं लिया, मैं नहीं, नहीं कल दीदी लगा दे, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा फॉलोवर्स मैटर करते, वेरीफाइड मत नहीं मैटर करता है। अगर आपके जेन्युइन फॉलोवर्स है ना, बस वही मैटर करते हैं। वेरीफाई लेके क्या कर लोगे आजकल? मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे जिसके 100 फॉलोवर्स है ना, उनके पास ही वेरीफाइड है। तो मेरी बेइज्जती कर रही हो? बेइज्जती कर रही हो मेरी? कुछ भी समझ लो आप, मेरे जेन्युइन फॉलोवर्स हैं, मुझे वेरीफाइड की जरूरत नहीं है। वेरीफाइड मिला है, हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और 699 तो हमने वैसे दे दिए उधार। ओ मतलब जिसके 50 फॉलोवर्स है वो भी वेरीफाइड है। मैं आज न्यू अकाउंट बना लू ना, उसमें ले लूंगी मैं वेरीफाइड। हाँ ठीक है, पर अपने इसमें नहीं लूंगी मैं। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको इंतजार कितना है। और मैंने बहुत सारे कमेंट पहले देखते थे, सब लोग कहते मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो आप ये कमेंट करके बताना किसका बेबी कितने महीने में हो गया और किसका भी हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, ठीक जरूर कमेंट करके बताना है। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लव यू, बाय बाय।